Meanwhile, yoga guru Ramdev has been banned from campaigning in Himachal Pradesh. He's responding to that. Let's listen in. भगवान की इच्छा हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा अपनी बात कहने के लिए. योग की बात करना कोई गुनाह है क्या? क्या इलेक्शन के समय योग की बात नहीं हो सकती? क्या इस देश में इमरजेंसी लागू करना चाहती है कांग्रेस? हमें पूरी उम्मीद है कि योग दीक्षा सभाओं में हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत कैसे बने, इसकी बात हम कर पाएंगे. क्योंकि आज इंसान और हिंदुस्तान दोनों संकट में हैं. इंसान बीमारियों और बुराइयों से घिर गया और हिंदुस्तान भ्रष्टाचार और घोटालों से, अन्याय से घिरा हुआ. ऐसे में इस देश को बचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं. इसलिए पूरे देश की तरह हम इस देवभूमि में आए हैं. मैंने पहले भी इस बात को कहा था, दो दिन पहले लोग उनका बाबा जी महिलाओं का और दलितों का अपमान करते. मैं तो दलितों के बीच में, वंचितों शोषितों के बीच में पैदा हुआ हूं और उनकी हक की आवाज उठाई है. ये कालाधन भ्रष्टाचार की आवाज क्यों उठाई? क्योंकि इससे भी दलितों को, वंचितों को, निराश्रितों को हक मिलेगा, न्याय मिलेगा. मैंने एक साल पहले पूरे देश में लाखों महिलाओं के सम्मेलन किए, महिला सम्मेलन पूरे देश में, और ये पश्चिम बंगाल से हमने इसकी शुरुआत की थी. और दलित महिलाओं के पाद पूजन करके हिंदुस्तान का शायद पहला सन्यासी होगा जिसने दलित महिलाओं के पैर धो करके और अपनी यात्रा शुरू की. ये कोई काल्पनिक चित्र नहीं है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ऐतिहासिक धरती पर हमने दलितों के पाद पूजन करके अपनी यात्रा शुरू की. पतंजलि योगपीठ में दलित और सवर्ण एक साथ बैठ करके एक ही रसोई में भोजन करते हैं और वो भी थोड़ी संख्या में नहीं, हर दिन कम से कम 5 से 10 हजार. दलितों और शोषितों को, वंचितों को सम्मान दिलाने के लिए जैसे मैंने पतंजलि योगपीठ बनाया, ऐसे 1000 से ज्यादा लोगों के लिए वाल्मीकि धर्मशाला और रहीदास लंगर हमने बनाया. क्या जो ये राजनीतिक पार्टियां, मैंने कहा, दलितों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और रहीदास को सम्मान देने के लिए कोई सरकारी योजना चलाई? क्या उनको सम्मान देने के लिए देश में कुछ आगे बढ़कर के काम किया? क्या वो कभी अपने घर में उसी तरह से दलितों का और सम्मान देते हैं जैसे बाबा देता है? इस तरह की झूठी बातें फैला करके वो समाज में उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे. ये इतनी बात मुझे इस संदर्भ में कहनी थी. बाकी जो हमारा देश के लिए मुद्दा है काला धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का, उसके लिए आदरणीय शांता कुमार जी पहले दिन से साथ में थे और इनके साथ हमारे आज के नहीं दसियों साल, एक दशक से भी ज़्यादा के संबंध हैं और वो संबंध निस्वार्थ है और उन संबंधों के पीछे प्रामाणिकता है. और भारतीय राजनीति में यदि 2-4 ईमानदार व्यक्तियों का नाम लिया जाए तो उसमें शिखर पर नाम आता है शांता कुमार जी का. ऐसे व्यक्ति को ढूंढने से मिलते हैं राजनीति में. और जबकि विश्वसनीयता का संकट बहुत गहरा है, ऐसे में उनका इस देवभूमि से देवत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला शांता कुमार संसद में जाए, इसलिए ठोक करके अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है. और यदि अवसर मिला तो योग दीक्षा सभाओं में हम इस एक चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण जरूरी है. और